नमस्कार दोस्तों, मैं विजय जोशी हमारी हिंदी चैस चैनल निक चैस वर्ल्ड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में हम सिसिलियन नाड्रॉप डिफेंस की एक बेहतरीन गेम देखने वाले, प्लेयर्स कहाँ गलती करते वो सारे वेरिएशन यहाँ दिखाए गए। सबसे पहले वाइट ने खेला e4, नाउ ब्लैक ने खेला c5। यहाँ सिसिलियन डिफेंस खेला है दोस्तों Nf3, d6, d4, c टेक, d4, knight टेक, d4। नाउ Nf6, यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक ने e4 वाले पॉन पर अटैक डालने की कोशिश की है। पॉन को सेव करते हुए वाइट ने खेला Nc3। नाउ a6, दोस्तों यहाँ सिसिलियन नाड्रॉप डिफेंस खेला है ब्लैक ने। ये एक बेहतरीन डिफेंस माना जाता है क्योंकि जब b5 वाला स्क्वायर है उस पर अटैक न डाल सके, इसलिए एडवांस में ही a6 खेला है दोस्तों। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर वाइट ने खेला बिशप ऑन e2। दोस्तों यहाँ पर वाइट ने कैसर की तैयारी कर दी है दोस्तों। चलो देखते हैं आगे ब्लैक क्या करते हैं। ब्लैक ने भी अपना ई पॉन निकालते हुए e6 खेला दोस्तों, वो भी बिशप को बाहर निकालेगा और कैसल की तैयारी कर रहा है दोस्तों। नाउ बिशप ऑन e3। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं वाइट ने दोनों तरफ में से किसी भी तरह कैसल कर सकते हैं, ऐसा वेरिएशन बनाए, एक बेहतरीन ओपनिंग किया है दोस्तों। आप ऐसी गेम आप जब खेलते हैं तो बार बार आएगी दोस्तों, तो इसके सारे वेरिएशन अच्छी तरह से देख ले। यहाँ पर ब्लैक ने खेला बिशप ऑन e7। दोस्तों ये डेटाबेस के आधार पर ये गेम 3000 बार से ज़्यादा टूर्नामेंट में इसी वेरिएशन से खेली गई है दोस्तों। नाउ f4। दोस्तों यहाँ पर जब ब्लैक ने कैसल करने की तैयारी कर दी थी तो यहाँ वाइट ने f4 करके एक चैलेंज दिए ताकि वो यहाँ से जल्दी से कैसल ना कर सके। यहाँ पर वाइट के पास दोनों तरफ कैसल करने का चांस है। नाउ ब्लैक ने खेला b5। ब्लैक ने भी वही कोशिश की ताकि लॉन्ग कैसल वाइट का रोक सके। यहाँ पर वाइट ने शॉर्ट कैसल कर दिया दोस्तों। नाउ क्वीन ऑन c7। e5 ये एक बेहतरीन मूव है दोस्तों। अक्सर डेटाबेस के आधार पर पॉन से पॉन को कैप्चर करते डी क्रॉस ई करते, पर यहाँ हम देखने वाले कुछ प्लेयर जब ब्लिस गेम खेली गई थी तो उसमें नाइट ऑन d5 करके खेलाए दोस्तों। आज हम देखते नाइट ऑन d5 करते तो क्या होता है। यहाँ पर सिंपल नाइट कैप्चर नाइट कर दिया गया दोस्तों। नाउ पॉन कैप्चर नाइट। यहाँ वाइट ने भी अपनी ई फाइल खोलते हुए ई क्रॉस d6। ब्लैक ने खेला बिशप ऑन d6। नाउ बिशप ऑन f3, जो d5 का पॉन है उस पर अटैक डालने की कोशिश किए। पॉन को सेव करते हुए ब्लैक ने खेला बिशप ऑन b7। नाउ नाइट ऑन f5। आप देख सकते हैं दोस्तों एक एक पॉन पर यहाँ अटैक डाल रहे हैं वाइट और अपने पीस एक एक आगे डेवलप कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो g7 वाले पॉन है उस पर अटैक डालने की कोशिश किए तो यहाँ ब्लैक ने सिंपल कैसल कर दिया दोस्तों। तो एक अटैक और बढ़ाते हुए क्वीन ऑन d4। अब आप देख सकते हैं दोस्तों जो g7 वाला पॉन है उस पर वाइट ने दो अटैक बढ़ाए। यहाँ गलती से ब्लैक कोई भी मूव करेगा तो उसकी गेम यहाँ दोस्तों फिनिश हो जाएगी। क्वीन ऑन g7 आ सकता है दोस्तों। तो अपना g7 वाले पॉन सेव करने के लिए ब्लैक ने यहाँ खेला f6। वाइट ने यहाँ पर एक बेहतरीन मूव खेला बिशप कैप्चर d5। यहाँ चेक दिया है दोस्तों। अगर यहाँ ब्लैक
बिशप से बिशप कैप्चर करेगा, तो क्या होता है, चलो देखते। बिशप कैप्चर, बिशप, नाउ क्वीन कैप्चर, बिशप। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ब्लैक का एक पीस चला जाएगा किंग को यहाँ पर एच एच पर मूव कर दे, तो यहाँ क्वीन कैप्चर रुक। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर अपना एक पीस ब्लैक गवा देता है। चलो इसका एक वेरिएशन देखते हैं। पहले अगर बिशप से बिशप को कैप्चर नहीं करते और यहाँ पर पहले किंग को मूव ब्लैक करता है तो क्या होता है, किंग ऑन एच एट करता है तो क्या होता है, यहाँ पर वाइट के पास बहुत ही अच्छा मूव है, बिशप कैप्चर बिशप। आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर किंग यहाँ बिशप को कैप्चर करने जाता है तो उसका दूसरा बिशप यहाँ दोस्तों चला जाता है, नाइट कैप्चर बिशप। यहाँ पर भी एक पीस चला जाता है दोस्तों, यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ब्लैक की पोजीशन बिगड़ जाती है और यहाँ से गेम दोस्तों हार जाएगा। तो चलो देखते हैं, अभी अगला वेरिएशन एक बाकी है, वो यहाँ से देखते हैं। दोस्तों हम अगले वेरिएशन में देख चुके हैं, जब E5 खेला गया था तो यहाँ पर नाइट को D5 करके ब्लैक ने खेलने की कोशिश की थी, पर वहाँ ब्लैक गेम हार गया था दोस्तों। अगर यहाँ पॉन से पॉन को कैप्चर करता है तो क्या होता है, डी कैप्चर E5, नाउ एफ कैप्चर E5। दोस्तों यहाँ पर ब्लैक के पास चार ऑप्शन है, एक तो क्वीन से पॉन को कैप्चर कर सकता है या अपने नाइट को मूव कर सकता है। दोस्तों पहला वेरिएशन देखते हैं, क्वीन कैप्चर पॉन, नाउ बिशप ऑन F4, क्वीन पे एक बेहतरीन अटैक डाला है दोस्तों। चलो देखते हैं आगे क्या होता है, नाउ क्वीन ऑन C5। यहाँ पर वाइट ने एक बेहतरीन मूव खेला, बिशप ऑन F3। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर रुक पर अटैक डाला है, अगर रुक को मूव करने जाएगा तो उसका नाइट यहाँ पर चला जाता है, यहाँ रुक ऑन A7 करता है तो बिशप से नाइट कैप्चर कर लिया जाएगा दोस्तों। चलो देखते हैं, अगर यहाँ पर नाइट से सेव करने की कोशिश करते हैं, नाइट ऑन D5 करके अपने रुक को सेव करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, नाइट ऑन D5, नाउ नाइट कैप्चर नाइट, ब्लैक ने खेला पॉन कैप्चर नाइट। दोस्तों यहाँ पर पहली नज़र में तो यही लगता है कि ब्लैक की पोजीशन सेफ हो गई है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर वाइट ने एक बेहतरीन मूव खेला B4। आप देख सकते हैं यहाँ क्वीन को मूव कराने की कोशिश की है, अगर क्वीन यहाँ से मूव हो गया तो फिर से वो जो D5 वाला पॉन है वो बिशप से कैप्चर कर सकेगा और रुक पर अटैक डाल सकेगा। दोस्तों यहाँ क्वीन अगर पॉन को कैप्चर करता है तो बिशप ऑन D5 करके रुक पर फिर से अटैक आ सकता है। देखते हैं ब्लैक गेम को कैसे सेव करते हैं। उसके पास दो ऑप्शन थे, यहाँ पर ब्लैक ने खेला क्वीन ऑन C5, नाउ रुक ऑन E1। दोस्तों यहाँ से ब्लैक कैसल नहीं कर सकता, अगर उसने कैसल करने की कोशिश की तो उसका यहाँ बिशप चला जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं रुक कैप्चर बिशप हो जाता है, तो यहाँ ब्लैक ने खेला बिशप ऑन B7, नाउ नाइट ऑन F5। एक यहाँ पर दो ऑप्शन है ब्लैक के पास, क्वीन से बिशप कैप्चर कर सकता है और नाइट को C6 पर लाके जो अपना बिशप जा रहा है D7 वाला उसे सेव कर सकता है। चलो देखते हैं यहाँ पर नाइट ऑन C6 करता है तो क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नाइट ऑन D6 दोस्तों चेक आता है, यहाँ किंग को मूव करने की कोशिश करता है तो यहाँ आप देख सकते हैं ब्लैक का क्वीन चला जाएगा। चलो दूसरा वेरिएशन भी देख लेते हैं, अगर यहाँ से क्वीन कैप्चर बिशप किया जाता है तो क्या होता है, नाउ नाइट कैप्चर बिशप। यहाँ पर ब्लैक के पास दो ऑप्शन है, अगर नाइट ऑन D7 आता है या किंग को
F8 पर लाना पड़ेगा। चलो पहले देखते हैं, नाइट ऑन D7 आता तो क्या होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक की क्वीन दोस्तों यहाँ पर चली जाएगी, नाइट कैप्चर D5 पॉन। आप देख सकते हैं यहाँ किंग को मूव कराने जाएगी, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ ब्लैक क्वीन चली जाती है दोस्तों। चलो अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, अगर यहाँ नाइट को D7 पर नहीं लाते और यहाँ किंग को मूव कराता है तो क्या होता है, किंग ऑन F8। नाउ बिशप कैप्चर D5। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ जो B7 वाला है बिशप है उस पर अटैक डाला हुआ है। यहाँ अगर क्वीन से बिशप को सेव करने की कोशिश करता है तो क्या होता है, क्वीन ऑन C7। नाउ बिशप कैप्चर बिशप, क्वीन टेक बिशप एंड क्वीन ऑन D8, चेक एंड मेट हो जाती है दोस्तों। अगर क्वीन यहाँ पर लाए थे, चलो हम एक वेरिएशन यहाँ दूसरा देखते हैं, क्वीन को C7 पर लाए थे, यहाँ पर अगर बिशप से बिशप को कैप्चर किया होता तो क्या होता, बिशप कैप्चर बिशप। नाउ क्वीन कैप्चर बिशप, यहाँ पर रुक को सेव करने जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर भी गेम ब्लैक की फिनिश हो जाएगी, क्वीन ऑन D8, चेक एंड मेट। चलो दोस्तों यहाँ से एक दूसरा वेरिएशन देखते हैं, जब वाइट ने E5 खेला था तब पॉन कैप्चर पॉन किया गया था, यहाँ पर भी पॉन से पॉन को कैप्चर किया गया था दोस्तों। हमने लास्ट बार क्वीन से पॉन को कैप्चर करके देखा है। ब्लैक के पास और दो वेरिएशन है, नाइट को D7 पर भी ला सकते हैं और नाइट को यहाँ G8 पर भी ला सकते हैं। चलो पहले देखते हैं, नाइट ऑन G8 पर आता है तो क्या होता है, चलो आगे देखते हैं वाइट कैसे विन होता है। यहाँ पर वाइट ने खेला नाइट ऑन B5, अपना एक नाइट सेक्रीफाइस कर दिया है दोस्तों, एक बेहतरीन मूव है। अभी तो चाल में हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, आगे देखिए सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पॉन कैप्चर नाइट, नाउ बिशप कैप्चर पॉन और दोस्तों एक किंग पर एक बेहतरीन चेक डाला हुआ है। यहाँ अगर किंग ऑन F8, यहाँ पर वाइट ने एक बेहतरीन मूव खेला क्वीन ऑन F3। यहाँ से दोस्तों दो पीस पर अटैक है, एक रुक पर अटैक है और यहाँ किंग पर भी अटैक है, क्योंकि F7 का पॉन चला जाएगा तो ब्लैक की गेम फिनिश हो जाएगी। यहाँ दोस्तों अगर नाइट से बचाने की कोशिश करते या नाइट ऑन H6 करते तो बिशप से नाइट चला जाएगा, यहाँ नाइट को कैप्चर करते तो क्वीन कैप्चर F7, यहाँ गेम दोस्तों फिनिश हो जाती है। चलो देखते हैं यहाँ पर कैसे सेव करते। यहाँ पर ब्लैक ने खेला बिशप ऑन C5। दोस्तों बिशप C5 करके यहाँ आप देख सकते हैं क्वीन से F7 का पॉन जो हम कैप्चर कर रहे थे उसे सेव करने की कोशिश की। यहाँ अपना रुक सेक्रीफाइस दिया है दोस्तों, सेक्रीफाइस तो नहीं कहा जाता, यहाँ कंपलसरी जा ही रहा था दोस्तों, पर यहाँ वाइट ने रुक को कैप्चर नहीं किया और उसके मन में कुछ और ही चाल थी। यहाँ पर वाइट ने खेला रुक ऑन D1, नाउ बिशप ऑन B7, क्वीन पर अटैक डालने की कोशिश की है। यहाँ पर वाइट ने एक बेहतरीन मूव खेला जहाँ से ब्लैक को गेम रिजाइन करनी पड़ी, नाइट कैप्चर पॉन नाइट कैप्चर दोस्तों E6 खेला, यहाँ किंग और क्वीन दोनों पर अटैक है, यहाँ किंग को मूव कराने जाते तो यहाँ दोस्तों गेम फिनिश हो जाती है, क्वीन कैप्चर F7, यहाँ पर गेम फिनिश हो जाती है दोस्तों। चलो एक और वेरिएशन है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर बिशप से रुक को सेव करने की कोशिश की थी ब्लैक ने, अगर यहाँ रुक को A7 पर लाते तो क्या होता है, रुक ऑन A7, यहाँ पर वाइट ने खेला क्वीन कैप्चर F7। दोस्तों यहाँ पर अपना क्वीन सेक्रीफाइस दिया है, एक बढ़िया चाल खेलिए, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। क्वीन कैप्चर क्वीन, आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ एक क्वीन सेक्रीफाइस दिया है और इसके बाद वाइट कैसे खेलता है, चलो देखते हैं
नाइट कैप्चर e6। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पहले क्वीन सेक्रीफाइस किया, नाउ यहाँ नाइट भी सेक्रीफाइस किया है दोस्तों। चलो देखते हैं गेम वाइट कैसे जीतता है। यहाँ नाइट को कैप्चर करते हुए ब्लैक ने खेला बिशप कैप्चर नाइट, नाउ बिशप कैप्चर बिशप, एक बेहतरीन चेक दिया है दोस्तों। हर एक मूव यहाँ फोर्स मूव दी गई है। नाउ रुक ऑन e7, यहाँ पर आखिरी मूव खेला रुक ऑन e8, चेक एंड मैट कर दी दोस्तों। दोस्तों यहाँ से हम पहले तीन वेरिएशन देख चुके हैं। यहाँ जब पॉन कैप्चर पॉन किया था तो वाइट ने भी यहाँ पॉन कैप्चर पॉन किया था दोस्तों। हम क्वीन से पॉन को कैप्चर करके आगे देख चुके हैं, नाइट को यहाँ g8 पर ला करके भी देखा है और नाइट को d5 करके भी देखा है। अब एक आखिरी वेरिएशन करते नाइट ऑन d7 दोस्तों, जो e5 का पॉन है उस पर दो पीस से यहाँ अटैक किया हुआ है। चलो आगे देखते हैं गेम में क्या होता है। यहाँ पर वाइट ने एक बेहतरीन मूव खेला रुक ऑन f7, यहाँ पर अपना रुक दोस्तों सेक्रीफाइस कर दिया है। नाउ क्वीन कैप्चर रुक बिशप ऑन h5, एक बेहतरीन चेक दिया है। यहाँ पर ब्लैक ने खेला g6, नाउ वाइट ने एक बेहतरीन मूव खेला क्वीन ऑन f3, यहाँ चेक दिया है दोस्तों और रुक पर भी अटैक है। चलो देखते हैं यहाँ ब्लैक गैप कैसे सेव करते हैं। ब्लैक अगर यहाँ पर g7 पर लाने की कोशिश करते तो नाइट कैप्चर पॉन, यहाँ पर उसका क्वीन चला जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर ब्लैक ने खेला किंग ऑन g8, नाउ नाइट ऑन d5। आप देख सकते हैं दोस्तों वाइट पहले अपने रुक का सेक्रीफाइस दे चुका है और दूसरा यहाँ पीस नाइट का भी सेक्रीफाइस दिया है दोस्तों। चलो आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर ब्लैक ने खेला पॉन कैप्चर नाइट क्वीन टेक d5, यहाँ ब्लैक के किंग और रुक दोनों पर अटैक डाला हुआ है दोस्तों। यहाँ किंग के पास कोई मूव नहीं है, अगर g7 पर लाए या f8 पर लाता है, यहाँ पर f8 या g7 पर लाए तो नाइट ऑन e6 आ रहा है दोस्तों, वो अपने क्वीन को सेव नहीं कर सकता। किंग ऑन e8, नाउ नाइट कैप्चर क्वीन किंग ऑन d8, नाइट कैप्चर रुक। आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैक की पोजीशन एकदम ख़राब है दोस्तों, यहाँ से ब्लैक गेम हार जाएगा दोस्तों। दोस्तों आज हमने सिसिलियन नाजडॉफ डिफेंस की एक बेहतरीन गेम देखी है। यहाँ हमने आपको सारे वेरिएशन पूरी डिटेल्स में दिखाए गए। ऐसी और बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए आप हमारी चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें दोस्तों।